दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। इस मसले का अब तक न दिल्ली सरकार कोई हल निकाल सकी है। वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मसले पर मिलने का समय मांगा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भूख हड़ताल की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग नहीं रोकी गई या फिर केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लेकर आई तो खुद भूख हड़ताल पर वो बैठ जाएंगे। पीएम मोदी को भेजी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में आज तक व्यापारियों की दुकानें सील की जा रही है। ये व्यापारी ईमानदारी से दुकान चलाते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं। सीलिंग का कारण कानून में विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अपने खत में केजरीवाल ने पीएम से अब तक बंद की गई दुकानों को खुलवाने की भी मांग की है, साथ ही उनसे मिलने का समय मांगा है।